चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के 6 लोगों को मध्य प्रदेश से देश की नागरिकता मिली है। जी हाँ, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पाकिस्तान से भारत आकर बसे हिंदू पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दी गई है। 6 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई है। ये पड़ोसी देशों में जो धार्मिक आधार पर पीड़ित हिंदू शरणार्थी कहलाए, जो उन्हें नागरिकता प्रदान करने, आज हम आदरणीय नंदलाल जी बैरागढ़ भोपाल से हैं, आदरणीय अमित कुमार जी बैरसिया रोड भोपाल से हैं, आदरणीय श्री अर्जुन दास जी मंदसौर से हैं, जयराम दास जी भी मंदसौर से हैं, श्री नारायण दास जी मंदसौर से हैं और श्रीमती सौसल्याबाई जी भी मंदसौर से हैं। भारत की नागरिकता प्रदान करने की आज कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पूर्ण की है। कई वर्षों से भारत में रिफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे 6 हिंदू पाकिस्तानियों को आज मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की नागरिकता दे दी। बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की ये भी कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी खुशी है आज इनको। आपका नाम बता दीजिए। नारायण दास। जी कब आए थे आप भारत? सर 91 में। लंबा अरसा। जी हाँ, 31 साल के बाद आज नागरिकता प्रदान की गई है। आज हमारे लिए समझो सबसे बड़ा खुशी का दिन है। पाकिस्तान में कहा जाता है, अक्सर हमने देखा भी है, सुना भी है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया है, बनाया जाता है, तमाम तरीके की बंदिशें रहती। किस टाइप की बंदिशों का आपको उस समय सामना करना पड़ा? कुछ ऐसी कड़वी याद है जो अपने हम दर्शकों को बता सके? बंदिशें सर ऐसी है कि मतलब वहाँ पे खुलकर अपन धंधा नहीं कर सकते, बहन बेटियां मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती है और मतलब कुछ भी आजादी नहीं है। अपन मंदिर जाओ तो मंदिर में भी जाने के लिए रोक टोक है, या अपन मंदिर हर बार कभी भी जा सकते हैं। वो ऐसा है कि वहाँ पर जो है वो एक तो हिंदुओं को बहुत कम नजर से देखते हैं। कम नजर का मतलब है कि बनिए बनिया बनिया, तुम तो बनिए हो बनिया बनिया करके, और अगर बहू बेटी लेडीज वगैरह निकलती हैं तो कभी कभार होटिंग भी होती है, होटिंग की वजह से भी दिल टूटता है। हिंदू महिलाओं के साथ काफी वहाँ पे अत्याचार होता है सुना। जी, उनके हिसाब से वो अकेले कहीं जा नहीं सकते, उनके साथ मर्द जरूर है, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते। आखिरी सवाल, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम बड़े खुश हैं, सुकून के साथ हमारे बाल बच्चे सब घूम फिर रहे हैं, हम अपने कारोबार कर रहे हैं अपने सुकून के साथ। वहाँ पर चेहरे पे साफ खुशी है और शायद ये दिल में आज कहते हुए सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैमरा आशु के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।